स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के देहरादून के विकास नगर से। यहाँ मनाया जा रहा है फूलदेई का त्यौहार, जो कि उत्तराखंड का लोक पर्व है, बड़ी धूमधाम से। अभी आप देखने वाले हैं ब्लॉग में कि किस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे फूलदेई का त्यौहार मना रहे हैं। कहीं फूलदेई कहते हैं, कहीं घोगा माता कहते हैं, कहीं कुछ और भी कहते हैं, तो हमारे यहाँ तो विशेष करके घोगा माता कहते हैं और कहीं कहीं फूलदेई का त्यौहार कहते हैं। फूलदेई का मतलब फूल को देहली पर डालना, ये इसका अर्थ है। कुछ और भी होता होगा तो आप कमेंट करके बताना। और अब सीधे ले चलते हैं आपको ब्लॉग में। अब A1 सेमार ब्लॉग से ज़्यादा वीडियो आपको देखने को मिलेगी आदित्य केदारनाथ ब्लॉग पर, तो आप वहाँ पर जाएं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आदित्य केदारनाथ ब्लॉग को आप सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पर हिट कर दें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहे। और आगे हैं घोगा माता वाले, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चे आ रहे हैं, आज इन्होंने भगवान की डोली भी बनाई है घोगा माता की, और कुछ स्लोगन भी कह रहे हैं। काफ़ी दूर हैं अभी। और इस बार देखिए आम पर कितनी बढ़िया बोर आ रखी है। इस बार मुझे लगता है इस पर खूब सारे आम लगेंगे। और घोगा माता के साथ साथ सभी घरों में फूल डाले जाते हैं घर की देहली पर। तो भाई घर की देहली पर जैसे फूल डालते हैं, इसमें मुख्य जो फूल होते हैं वैसे तो बुरांस के हैं और फ्योली के फूल हैं, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन पर यही फूल सबसे ज़्यादा चमकते हैं, लाल और पीले। और इन्हीं को बच्चे लोग सभी घर घर में डालते हैं, और उन घरों से बच्चों को मिलता है खाने पीने की चीज़ें, और इसके साथ ही बच्चे हो जाते हैं खुश। तो बच्चे आ रहे हैं अभी, तो देहरादून में भी इस समय, देहरादून के विकास नगर में भी समय घोगा माता हो रहा है। तो ये है हमारी गढ़वाल की जो संस्कृति है, उसको बचाए रखने के लिए यहाँ भी बच्चे देहरादून के विकास नगर में फूल डाल रहे हैं। और घोगा माता को इन्होंने बना रखा है, तो मैं यहीं से दिखाना चाहता हूँ। अभी काफ़ी दूर है तो मैं यहीं से दिखाना चाहता हूँ, बड़ा ही आनंद आ रहा है, तो आप भी देखिए। बच्चों
का त्यौहार मनाया जाता है संक्रांति से, ये है चैत्र की संक्रांति से। और चैत्र की संक्रांति में सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं इकट्ठे, बनाते हैं एक घोगा माता को जो होती है डोली के रूप में। अभी आप देखने वाले हैं डोली के रूप में होती है। और सुबह सुबह डालते हैं घर की देहली पर फूल, और ये फूल कुछ खास होते हैं प्यूली और बुरांस के। घर घरों में डालते हैं, घर से जो कुछ भी खाने पीने की वस्तु है, मिष्ठान वगैरह है, छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है। इसमें खील होगी, बताते होगी, लयाँ होगी, गुड़ हो गया, अन्य भी और चीज़ें दी जाती हैं, फल होगी, और इसके साथ साथ दक्षिणा भी लोग देते हैं। बच्चे हो जाते हैं खुश। और इसी उपलक्ष्य में ये 8 दिन तक अनेक जनपदों की अनेक अनेक कहानी है, लेकिन जो रुद्रप्रयाग जनपद की जो कथा है वो ये है कि 8 दिन तक ये सारे के सारे बच्चे फूल डालते हैं सुबह सुबह, और 8वें दिन अठवाड़ू होता है, और उस दिन घोगा माता को खूब घुमाया जाता है, और उस दिन बनाते हैं फुलचोलू बनाते हैं घर से काफ़ी दूर जा कर के। यानी कि फुलचोलू का मतलब यानी कि कहें तो भंडारा, तो फुलचोलू बनाते हैं वहाँ पर, घर से दूर जाते हैं वहाँ पर। खाना पीना दाल भात से लेकर मीठा भात से लेकर अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, और ये बच्चे बड़े खुश होते हैं और फिर प्रतीक्षा करते हैं अगले साल घोगा के जल्दी से जल्दी आने की, और पुनः एक बार फिर घर घर में डेली डेली फूल डाल दिए जाते हैं। आज का फूल देई लोक पर्व उत्तराखंड का आपको कैसे लगा, आप कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाएं आदित्य केदारनाथ ब्लॉग पर, वहाँ भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप बने रहिए A1 श्रीमार ब्लॉग के साथ साथ आदित्य केदारनाथ ब्लॉग पर भी।